पत्रकारों की तरफ से पार हम सब आपको विश करना चाहते हैं इतना ही शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों की जो अपकमिंग मूवी है उसके बारे में, बिना के बारे में जानना चाहता हूँ। पार्ट क्या रोल प्ले कर रहे हो आप? एज अ मेन लीड एज यू नो नेम क्रीना द बॉय द क्रीना इज आई एम द क्रीना। सर डायरेक्टर साहब ऋषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिल्म आदिवासियों पर बताया गया है बेस है उनकी कहानी, क्या ये असल जिंदगी की कहानी है या फिर कल्पना का भी इसमें सहारा दिया गया? जी नहीं, ये काल्पनिक कहानी है, असल जीवन को पर्दे पर उतारा गया है लेकिन ये काल्पनिक स्टोरी है। और भी बताइए मुझे फिल्म में, जैसे पार्थ है लीड प्ले कर रहा है, बाकी किरदारों के बारे में मुझे बताइए, स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स बताइए। स्टोरी लाइन मैं ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहूँगा लेकिन ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी इमेजिनेशन स्टोरी है ये, और ये जंगल में है, ये कबीले के ऊपर है जो आदिवासियों के जीवन पर आधारित है, बाकी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इसमें। बाकी स्टार्स में आपके शाहबाज खान है, सुदेश वेरी जी है, इंद्र कुमार है, दीपशिखा है, टुनिशा है और सुधा जी, बाकी पार्थ लीड कर रहा है इसमें, बाकी बहुत सारे कलाकार हैं। सुदेश जी ज़्यादातर उन्होंने आजकल टीवी पे ज़्यादा छाए हुए हैं, नेगेटिव शेड्स के ज़्यादातर किरदार के, क्या इसमें सुदेश जी का भी पॉजिटिव किरदार है? पॉजिटिव शेड्स। दीपशिखा जी के बारे में? दीपशिखा पॉजिटिव किरदार कर, वो भी पॉजिटिव। क्या ये बच्चों की फिल्म होगी? नहीं, ये कमर्शियल मूवी है जो बच्चे और बड़े दोनों देख सकते हैं। फिल्म के स्टेटस क्या है? शूट पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन है? पोस्ट प्रोडक्शन आधा हो चुका है, आधा बाकी है, शूट पूरी हो चुकी है। फिल्म कब तक रिलीज की जाएगी? अक्टूबर में जी। कोई डेट? अभी डेट टेंटेटिवली रखा गया है 20 अक्टूबर, बाकी आगे भी कुछ कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दिलीप जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सारे मीडिया वाले, देखने वाले, श्रोताओं को सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे लाडले स्टार, अपकमिंग स्टार प्रात के इनके जन्मदिन पे मैं आया हूँ, मुझे बड़े प्यार से इन लोगों ने बुलाया यार। मैं सबसे पहले मेरा हक बनता था, तो दो शब्द मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। 29 जून का दिन है आता, 29 जून का दिन है आता, मन फूला नहीं समाता, क्यों ना ये दिन रोज मनाए, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम जियो हजारों साल, सभी देते तुम्हें दुआएं। तो पहले तो मैं सबसे चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से इनके हैप्पी बर्थडे कहा जाए, और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी इनके साथ पहली फिल्म और इनके साथ इनका पहला सेलिब्रेट कर रहा हूँ मैं बर्थडे। और म्यूज़िक के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिलीप सेन, समीर सेन का एक अपना स्टाइल रहा है हर फिल्म में, श्यामल जी ने काफ़ी मेहनत की, हमारे मुकेश जी हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत की मेरे साथ, और प्रोड्यूसर का तो कहना ही चाहिए क्योंकि ये मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे गाने अच्छे बनेंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी मैंने फिल्में की हैं उनमें से एक हटके है, क्योंकि पहली मर्तबा इतनी कम उम्र का हीरो मैन लीड में, देखिए बड़े बड़े स्टारों के लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं शामिल जी का और मुकेश जी का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा कि इन्होंने इतने अच्छे बच्चों को ट्रेंड करके और अच्छी फिल्म बनाई क्रीना के नाम से। मुझे उम्मीद है कि ये म्यूजिकल हिट होगी और फिल्म ज़रूर चलेगी। दिलीप जी, मैं गानों के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे बताया गया कि 3 गाने हैं, कुछ गानों के बारे में बताया कि किस मूड के गाने होंगे इसमें? हाँ, इसमें क्या था, कहानी का जो मूड था, गाने 3 हैं मगर इसका बैकग्राउंड टोटल म्यूजिकल ही है, क्योंकि आदिवासी, जब आप समझ सकते हैं कि आदिवासी मूड एक ट्रैवल का जो हिसाब किताब होता है जंगलों का या जो भी ये है, तो उसमें एक साउंड प्ले होता रहता है, म्यूजिक चलता रहता, तो इसमें थीम चलेगा हमारा म्यूजिक का। बाकी एक इसमें बहुत ही खास करके एक मैंने माता के भेंट नुमा एक भजन तो नहीं कह सकता, भेंट नुमा एक एग्रेसिव एक गाना बनाया जिसमें कि हीरो के अंदर वो पावर आता है, कैसे वो चेंज होता है, और मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तक 1500 से 1600 से ऊपर गाने बना दिए, उनमें से ये एक हटके गाना है मेरा। और एक रोमांटिक गाना भी है इसमें ड्यूएट, जिसमें श्यामल जी ने मेरा काफ़ी साथ दिया उसमें राइटिंग और धुन वाइज भी, और बाकी इसमें मुकेश जी की, श्यामल जी की और हमारे मैन प्रोड्यूसर साहब की बहुत मेहनत है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस फिल्म के लिए बहुत अच्छा कहें, दुआएं दें कि आने वाले ये सितंबर में, जब भी ये सितंबर अक्टूबर में रिलीज़ हो, तो जैसे अमूमन सब बड़े स्टारों की फिल्में देखते हैं लोग, इस फिल्म को भी देखें, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी और बच्चे बूढ़े जवान सभी इसको देख के खुश होंगे।
ये मेरी शुभकामनाएं। गाकर कुछ भी सुनाना चाहेंगे दिलीप जी? एक गाना तो कम से कम गाकर सुनाने का हक बनता है भाई। देखिए ऐसा है कि अभी आप कहेंगे फिल्म का गाना, तो फिलहाल मेरी कोई फिल्मों का गाना मुझे ज्यादातर के याद नहीं है। हाँ मगर एक गाना इनके लिए जरूर कहूंगा कि मेरे कुछ गानों की जो याद बातें हैं, जैसे कि इनके लिए मैं कहूँगा, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। तो मैं आज तो हमारे इशार के लिए ही कहूँगा, और बाकी तो मैं गाने तो आप लोगों ने मेरी सुनी है। अब आप हमारे जी हाँ प्रोड्यूसर साहब, आप जी प्रोड्यूसर साहब ये बताइए मुझे, ये फिल्म का आइडिया आया कहाँ से, बेसिकली आपकी और डायरेक्टर साहब की मुलाकात कैसे हुई? सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगा सभी मीडिया का और आए हुए समस्त हमारे मेहमानों का जी। हार्दिक स्वागत और दिल से अभिनंदन है, आप इतना कीमती समय निकाल करके बारिश के समय यहाँ उपस्थित हुए जी। सवाल फिल्म का सर बताइए क्या सवाल फिल्म का? सवाल मेरा ये था कि आपकी मुलाकात डायरेक्टर साहब हैं श्यामल जी हैं, इनसे कैसे हुई? सर ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मेरा एक गांव का लड़का था, वो 3 साल से इनसे श्यामल जी से और मुकेश जी से टच में था, और उसके बिहाफ से मुकेश जी और श्यामल जी से मेरा टच बना रहा। बार बार इन्होंने आकर के प्रस्ताव रखा कि सर एक प्रोजेक्ट करके देखिए हमारे साथ में अच्छा रहेगा, बट मैं तीन साल इंतज़ार करता रहा कि यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट लास्ट में जब ये इस स्टोरी को लेके आई, स्टोरी जब मैंने सुनी तो स्टोरी जो मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि ये मूवी जो है मुझे ज़रूर बनानी है। श्यामल जी सवाल ये है कि जब आपको हीरो की तलाश रही होगी, स्टोरी आपके पास रही होगी, तो पार्ट का ही सिलेक्शन हुआ, आप किसी भी स्टार किड को खा सकते हैं? नहीं सर, हमने ऑडिशन काफ़ी सारे को लिया, लेकिन मुझे बाद में लगा ऐसा कि फार शायद इसमें कंफर्ट रहेगा। जो मुझे तलाश थी ऑडिशन के थ्रू, जो लड़के आए थे उसमें वो नहीं दिख रहा था, फिर मैंने पार्थ को सिलेक्ट कर लिया। पार्थ इस रोल में फिट था और अच्छा था। काम करके क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। बच्चे के साथ बहुत सर, शुरू में पहली बार ऐसा होता है, एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, लेकिन धीरे 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 इम्प्रूवमेंट इसके अंदर काफ़ी रहा और बाद में सब कुछ सामान्य। फिल्म की शूट कहाँ था, कितने सीक्वेंस में आपने? सर पनवेल में शूट किया, पनवेल में एक जगह पे शूट नहीं किया, अलग अलग जगह पे शूट किया। कहा जाता है कि पनवेल में ही, लेकिन पनवेल आप देखेंगे तो पूरी फिल्म में ऐसा लगेगा कि पनवेल नहीं है, कई सारे लोकेशन में किया। फिल्म में काम करना एक नया एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट फिल्म में काम करना, छोटे से हो आप, मज़ा आया, मुश्किल हुई, क्या एक्सपीरियंस था? Yeah, there were many difficulties for me because like I'm first time facing the camera, so sometimes I feel shy and you know like many people standing and some of the directors I laughed, so many times the director also scolded me that don't laugh, do it properly, and I'm really angry at sometimes. Yeah. What was the toughest part for you? What was the toughest part for them? Toughest part was crying. For crying. Yeah. Crying. Yeah. प्रोड्यूसर जब आप फिल्म तो बताया जा रहा है पोस्ट प्रोडक्शन चले, आपने देखा है रॉ शूट देखा है आपने, जो इन्होंने बनाया है, जो आप बनाना चाहते थे, उसे सेटिस्फाइड हो आप? बिल्कुल देखा है, मैं 100% सेटिस्फाई हूँ कि जो मेरी इच्छा थी कि मुझे ऐसा काम चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतर करके डायरेक्टर साहब ने काम किया है। साहब ये जो टीम है, पार्थ है या बाकी लोग हैं, इनके साथ जो काम किया आपने, पूरी आज़ादी जो एक संगीतकार को मिलनी चाहिए, तो वो मिली आपको? देखिए मैं पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि मैं जब इनसे जुड़ा जी, तो मैं पहले तो दिलीप सेन समीर से इनको साइड में रख के जुड़ा जी, क्योंकि जो मैंने फिल्में की या जो मेरा फिल्मों का एरा रहा, क्योंकि नए लोगों के साथ मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। श्यामल जी जब मेरे पास आए तो मैंने इनसे यही कहा कि तुम दिलीप सेन के पास नहीं आए हो, तुम अपने एक संगीतकार के पास आए हो, तुम ये मत सोचो कि मैंने इतनी फिल्में की हैं तो तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा मुझे सिचुएशन समझाने में। इनकी एक सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट थी कि वो जो भेंट मैंने बनाई है उसका चेंज ओवर काफ़ी था, कि नॉर्मल जो भेंटें हैं वैसे नहीं, जैसे हर फिल्म में वो माता शेरावाली वगैरह वगैरह कहना मसल, वो भेंट पूरे कहानी को लेके आगे बढ़ती है और उसमें कैरेक्टर में चेंज होता है, तो मुझे बहुत प्यारा अनुभव रहा और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ,
दूसरी मुझे जो एक फिल्म में एक म्यूजिक डायरेक्टर को छूट होती है, छूट इन द सेंस के जो मैं चाहूँ, जितने म्यूजिशियन चाहूँ या जिस हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहूँ, जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मुझे मिली, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश भी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा म्यूज़िक लोगों को बहुत पसंद आएगा, और जब ये मार्केट में आएगा तो लोग ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं नए नहीं बहुत ही सुलझे हुए लोगों के साथ दिलीप सेन ने काम किया है। श्यामल जी, जो आज़ादी आपको चाहिए थी क्या आपके निर्माता साहब ने आपको दी? 100% कैसे? पूरी हर तरह से आज़ादी थी, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए था, जो हमें चाहिए था, जो प्रोडक्शन वैल्यू चाहिए था, जो मैंने रिक्वायरमेंट दिया सर ने सब पूरा किया, मैं खुश हूँ। आपको स्पेशल रिकमेंडेशन, इसे लो इसे मत दो, कहानी भी चेंज कर लो, नहीं कुछ 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 कोई इंटरफेयर नहीं, फुल फ्रीडम, फुल फ्रीडम। यस, कैरेक्टर नाम लीड कैरेक्टर नेम है। और कोई सवाल? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।